हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे पेयर ट्री के ऊपर। इस ट्री को मैंने लाया था फ्रॉम जलाराम नर्सरी एंड आप देख सकते हो कि इसको तो फीकी लीफ है यहाँ पे, बट इट्स स्टिल अलाइव। आज हम लोग इसको बोनसाई पॉट में लगाने वाले हैं, बोनसाई ट्रेन करने वाले हैं इसको। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टू ज़लार बोनसाई। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टुडेज वर्क, मैं सबसे पहले आपको ये यूकलिप्टस ट्री दिखाना चाहता हूँ व्हिच आई थिंक डिड नॉट मेक इट। हालांकि जितने भी मैंने जलाराम नर्सरी से ट्रीज लाए थे दे ऑल मेड इट एक्सेप्ट फॉर दिस वन विच इज यूकलिप्टस। उसको मैंने प्लास्टिक बैग से कवर्ड अप रखा था, तब तक वो जिंदा था एंड जैसे ही उसको बैग हटाया मैंने तब से इट स्टार्टेड टू स्ट्रगल एंड वो ऑब्वियस था बिकॉज इसके रूट्स इतने अच्छे डेवलप नहीं थे, ज़्यादा कुछ थे भी नहीं इसके रूट्स। सो हार्ड लक विद दिस यूकलिप्टस, बट let's hope that I'm able to get this tree again from somewhere, either from seed or from some nursery. So, but I think this one is dead. So मैं आपको इसका एक close up view दिखा देता हूँ। So guys, ये है अपना eucalyptus tree and आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने प्लास्टिक बैग रिमूव किया इसका जो शूट निकला था यहाँ से that started to dry out immediately. Within few hours it started to struggle. पर अंदर से हरा था, so मुझे लगा था it will make it. But after 2 days मैंने जब भी देखा तभी it's all dried out from inside. So अभी हम लोग इसको पहले देखेंगे कैसा है। मोस्टली तो ये डेड लग रहा है। इफ इट्स डेड विल यूज द सेम पॉट एंड सेम सॉइल फॉर प्लांटिंग और पेयर ट्री। सो मैं इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच कर रहा हूँ जस्ट टू फाइंड आउट वेदर इट्स अलाइव और नॉट एंड इट्स नॉट। देख सकते हो इट इज ऑल ड्राई। सो आई थिंक इसको रिमूव करना होगा, फिर जस्ट रिमूव इट। इसके रूट्स हम लोग देखेंगे इफ दे आर अलाइव और नॉट। इसका बार्क बहुत अच्छा होता है जो पिल ऑफ होता है ऐसे एंड पिल ऑफ होने के बाद इट लुक्स वाइट, सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। रियल ट्री जो रहता है यूकलिप्टस का फ्रॉम मिराज से फैमिली इट इज। सो ये वाइट बार्क बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत खूबसूरत दिखता है एंड आई रियली लाइक दिस यूकलिप्टस ट्री बिकॉज ऑफ दिस वाइट स्ट्रिंजी बार्क, यू नो, जो पिल ऑफ होता है तो मस्त दिखता है। But looks like it is dead. मैं इसको और एक थोड़ा शार्प कट देके देखता हूँ। Yeah, so that one is dead surely. इसको और एक कट देते हैं यहाँ पे। Yeah, it is dead. अभी कुछ भी मॉइस्चर नहीं है। And what about the roots? So roots भी dried out है. So the tree is definitely dead. So इसको सेव करके कोई मतलब नहीं है। This is not alive anymore. So इसको हम लोग remove कर देंगे। And अभी we already have this pot, so that is one thing. So हम लोग इसी pot में जो अपना पेयर ट्री है उसको लगाएंगे। So I'll keep this pot aside for some time and let's take our pear tree, guys. ये है अपना पेयर ट्री। ये पेयर ट्री है अपना। पहले तो इसका एक व्यू दिखा देता हूँ आपको मैं, फिर इसके ऊपर हम लोग काम चालू करते हैं। So ये है पेयर ट्री जिसको एक लीफ है ऊपर एंड दूसरे ब्रांच को थोड़े बर्ड्स निकल रहे हैं। It's still dormant, I think. So आ जाएंगे वो birds बाहर। फिलहाल let us first remove the tree from this plastic bag and let's see how the roots are. So इसकी बैग को मैं कट दे रहा हूँ। काफी ज्यादा soil दिख रही है अपने को यहाँ पे। This is going to be a big tree. काफी ज़्यादा soil है। इतना बड़ा ट्री तो ये था नहीं, so I don't know इतने बड़े बैग में क्यों रखा है इसको। So इसका प्लास्टिक बैग पहले निकाल देंगे। रूट्स तो अभी से दिख रहे हैं अपने को। बैग को साइड में रख देता हूँ। तो इसके कुछ लीव्स हैं। तो पेयर ट्री के जनरली लीव्स जो है वो ऐसे ब्लैक होने लगते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। थोड़ा स्ट्रेस हो गया ट्री को तो इमीडिएटली ब्लैक होने लगते हैं उसके लीव्स। सो आई थिंक वी विल हैव टू कवर दिस विद प्लास्टिक बैग वंस वी आर डन विद दिस रिपोर्टिंग। सो चलिए पहले तो इसका सॉइल चेक करते हैं। कोशिश करूँगा मैं हाथ से जितना निकले पहले उतना निकाल देता हूँ। थोड़ा अभी रूट्स को रेक करते हैं। सॉइल इज ड्राई सो इसलिए इजीली निकल रहा है। स्पैरो ज़्यादा ही नॉइस कर रहे हैं यहाँ पे, खाना दिया था सुबह फिर भी। चली गई स्पैरो। सो अभी इसको रेक करते हैं अच्छे से। नीचे बहुत ज्यादा सॉइल है। पुरानी सॉइल फेंक देते पहले। तो दो अलग अलग टाइप की सॉइल है यहाँ पे। सो एक तो एक बाहर की मिट्टी है, फिर दूसरी मिट्टी अंदर की है। You can clearly see that the tree was transplanted to bigger plastic bag. तो ये बहुत सारे फ्रूट्स है इसमें। ये जो रूट्स है वो ब्रेक हो रहे हैं वैसे भी। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू नीड दिस बॉटम पोर्शन। सो इस सॉइल को ऐसे ही फेंक देना होगा। ये मिट्टी बहुत बुरी होती है, वेरी बैड सॉइल, बहुत कड़क होती है। एंड आई डोंट थिंक इसमें रूट्स अच्छे से फॉर्म भी होते होंगे। ग्रे कलर की मिट्टी। वेरी बैड। देख सकते हो कि रूट्स आर नॉट हेल्दी इन दिस सॉइल। सॉइल जो है फेंक देते पुरानी। मैं मॉइस्ट रखता हूँ रूट्स को। सो गाइस अभी सॉइल पुरानी जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो गई है। नाउ विल हैव टू वॉश दिस रूट्स। थोड़ा मिस्टिंग करता हूँ एंड फ्रेश वाटर लेके आता हूँ। सो गाइस ये है अपने पास फ्रेश वाटर एंड इसमें हम लोग इन रूट्स को थोड़ा वॉश करेंगे पहले। देन हम लोग इसको स्पॉट में लगाएंगे। सो ये रूट्स अच्छे से अभी अपने वॉश हो गए हैं। सो गाइस इस स्पॉट में हम लोग इसको लगाने वाले हैं, पर उसके पहले विल जस्ट वर्क ऑन दिस रूट्स अ लिटिल बिट। देखेंगे कि कौन से रूट्स हेल्दी है एंड व्हिच वन वी नीड टू कीप, व्हिच वन वी नीड टू रिमूव, वो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे सबसे पहले। सो ये ट्री है अपने पास एंड यू कैन सी द रूट्स that healthy, but we have to do some work, some severe pruning we need to do, because this is definitely not a good root जो ऐसे bend होके जा रहा है and ऊपर जा रहा है। We definitely don't want such roots. We want roots to be in nice radial pattern जैसे कि ये दिख रहे हैं अपने को, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड रूट टू कीप। सो ये बेंड वाला रूट मुझे रिमूव करना होगा, इतना थिक वाला, बट दैट विल रिस्क दिस ट्री, वेदर इट विल मेक इट और नॉट, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। सो पहले तो विल स्टार्ट स्लोली। मैं जो ऊपर की डायरेक्शन में रूट ग्रो हो रहा है उसको मैं प्रून कर देता हूँ, बिकॉज डेफिनेटली वी डोंट वांट दिस रूट। पहले तो उसको रिमूव कर दिया एंड देन स्टार्ट टू थिंक अबाउट अदर रूट्स। ये जो है जो उल्टे डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, वी नेवर हैव इन रियल लाइफ एनी रूट ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये पॉट में लगाया था एंड आई थिंक सही से लगाया नहीं होगा, इसलिए ये बेंड अपने को देखने को मिल रहा है। बट you ask me, I think we need to get rid of such roots which are bent here. So मेरे हिसाब से तो ये पूरा root remove होना चाहिए, because this is not a good healthy root, and ये root भी उसके अंदर से निकल रहा है, which is also not a good root at all. So I think इस root को मैं prune करूँगा और ज़्यादा, but we'll lose on these roots then. That will risk the life of this tree. इसलिए I don't want to risk the life of this tree by doing such major cuts. So ठीक है, अभी के लिए मैं उसको ऐसे रहने दूंगा, but definitely in future we'll have to work on these roots. We definitely don't want these roots like this. अगर उसको remove कर दिया तो it will not survive because it won't have any roots to be alive. Very bad roots. मैंने सोचा नहीं था इतने बुरे roots होंगे इसके. They are all crossing. You can see. So I'm just trying my best कि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इसको। आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग टू दिस। आई थिंक वी कैन रिमूव दिस वन व्हिच इज ग्रोइंग इनसाइड और लेट्स कीप इट इज। अच्छा ऐसे ही लगते हैं, लेट्स कीप इट एज इट इज बिकॉज डोंट नो इट विल सर्वाइव और नॉट। जो बड़े वाले रूट्स हैं उनको मैं बस थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। These roots are definitely not healthy. जो ग्रे वाले soil में थे, जो रेड soil में थे, they are looking much better and it can sit nicely. Still, I'm a bit worried about this root. For now, I think I'll place it like this itself. I won't get rid of this root because that will risk the life of this tree, which I don't want. So इसको मैं पोजिशनिंग करने वाला हूँ पॉट में। लेट्स सी इन विच डायरेक्शन शैल बी पॉटेड। दिस वन इज लुकिंग बेटर बिकॉज ऊपर शूट्स हैं एंड वी हैव ब्रांचेस, सो डेफिनेटली वी कैनॉट पॉट इट लाइक दिस। सो ऑब्वियसली दिस इज द ओनली वे टू पॉट इट, प्लेस इट एंड देन हम लोग ऑफकोर्स उसको थोड़ा एंगल दे सकते हैं वी वॉन्ट, और थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये रूट काफ़ी बड़ा है जो बेंड होके आगे जा रहा है, सो आई थिंक दैट वन वी नीड टू प्रून इट ऑफ, इट्स व्हाट आई फील। वैसे भी ये रख के मतलब है नहीं इतना बड़ा रूट। आई थिंक वी शुड रिमूव इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा रिस्क लेना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। आई थिंक आई शुड बी टेकिंग सम रिस्क ऑन दिस ट्री। सो मैं इस रूट को प्रून करने का डिसीजन ले चुका हूँ। आई नो दिस इज़ अ वेरी टफ डिसीजन ऑन द हेल्थ ऑफ दिस ट्री। I don't know this will survive or not, but in life we should always take some risks. So I'm going to take this risk. And जहाँ पे ये bend हो रहा है वहाँ पे मैं उसको cut करने वाला हूँ। And just like this, 3, 2, 1, here we go. That's it. And flush cut. So ये अपना जो deformed root था वो remove हो गया है अभी। We no longer have this deformed root. And now we are left with very few roots. I do know that, but I think it will produce nice roots from here. जहाँ से हम लोग ने इस root को prune किया है, because that portion is alive and in contact with the soil, definitely it will produce nice roots from here. But I just want to make it a little bit more flush. थोड़ा और flush कर रहा हूँ मैं। Like this. So यहाँ से मैंने उसको flush किया है। So let's see what happens. How if it does survive, then how it produces the roots वो हमें देखना होगा। So इसको थोड़ा एक final misting करता हूँ मैं and then we are going to place it in this particular pot. So we have to decide a direction. अभी हम लोग इसको इस डायरेक्शन में रख सकते हैं या आई थिंक दिस वन इज़ बेटर. वी हैव रूट्स ऑन दिस साइड, एक ही साइड में रूट्स हैं, बट इन द अदर साइड वी डोंट हैव एनी रूट्स. सो इट हैज़ टू स्टार्ट फॉर्मिंग न्यू रूट्स नाउ. जस्ट थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग सम रूटिंग हार्मोन ताकि वो और अच्छे रूट्स प्रोड्यूस करना चालू करें. आई ऑलरेडी हैव इट विथ मी, मेरे पास रूटिंग हार्मोन है. So I'm just planning to use a little bit of it. So I'm just planning to use a little bit of rooting hormone on it. So मैं हाथ से ही थोड़ा लगा देता हूँ. So because of this hormone, it may start producing new roots in this direction. So इसकी वजह से मैं rooting hormone इसको use कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. और थोड़ा यूज कर सकता हूँ. एंड देन आई क्लोज दैट अप. एंड अभी हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं पॉट में इन दिस डायरेक्शन परहैप्स. लुक्स ओके टू मी. आपको एक दूर से व्यू दिखा देता हूँ. इससे दिखेगा ये ट्री जस्ट फाइन. एंड इस साइड से ऐसे सेंटर में है. एंड वी आर गोइंग टू पुट मोर सॉइल इनटू इट नाउ. तो अभी इसको थोड़ा टाइटन अप करते हैं. पहले देख सकते हो कितना लूज है. आई हैव टू टाइटन दैट अप. तो मैं आपको आप लोगों के लिए इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. बैक टू नॉर्मल स्पीड गाइस। ये हो गया अपना रिपोर्टिंग ऑफ पेयर ट्री। लेट्स होप दिस सर्वाइव्स। हालांकि थोड़ा डाउटफुल लग रहा है बट टाइट तो हो गया स्पॉट में डेफिनेटली। आई थिंक कवर दिस विद प्लास्टिक बैग। एक बार उसको अच्छे से वाटरिंग करेंगे फिर उसको प्लास्टिक बैग से कवर करेंगे अभी। सो गाइस सबसे पहले इसको थोड़ा वाटरिंग करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा भी नहीं बिकॉज हम लोग इसको प्लास्टिक बैग में कवर अप रखने वाले हैं। इसको थोड़ा मॉइस्ट करने के लिए वी हैव एडेड सम वाटर, दैट्स इट, इतना पानी काफ़ी है। एंड द सॉइल इज़ ऑल्सो मॉइस्ट पहले से ही। सो अभी वी विल ऐड, चेक कर रहे थे नीचे से ड्रेन हो रहा है कि नहीं पानी, अगर नहीं हो रहा है तो और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इस साइड में, इतना काफ़ी होगा आई थिंक। और अभी मेरे पास एक प्लास्टिक बैग है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ टू सील दिस ट्री अप। तो ये प्लास्टिक बैग के अंदर सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्प्रे सम मॉइस्चर इन देयर। सो बैग के अंदर मैं थोड़ा मॉइस्चर स्प्रे कर रहा हूँ। इट्स ऑलरेडी मॉइस्ट एंड इस ट्री को मैं कवर अप करने वाला हूँ। Like this. देख सकते हो दिस बैटरी दिस प्लास्टिक बैग, इसको हम लोग रिकवरी के लिए रख देंगे शेड में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू थ्रिलर बॉल्स। गुड बाय, टेक केयर।